वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभात निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय गणेश। हर तरफ गणपति बप्पा के चर्चे हैं क्योंकि गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और गणेश उत्सव की जब धूम है तो हम भी जनता से जानते हैं कि आखिर गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से हुई थी, मुंबई का राजा कहा जाता है, लेकिन अब पूरे देश में इसकी धूम है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, बप्पा का विसर्जन क्यों होता है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, जनता से ही जानते हैं कि वो कितना जानते हैं बप्पा के बारे में। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि उनकी आस्था कितनी है। आपका नाम? जसबीर। आप गणेश पंडाल में आई हुई है, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, आप कितना जानती है इस बारे में? गणेश जी को हम लोग बहुत मानते हैं और गणेश जी हर साल आएँ और हम सबको अपना आशीर्वाद दें और इसीलिए हम आते हैं गणेश पंडाल में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता है कि गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं, सिर्फ गणेश उत्सव मनाते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, हम आम लोगों से जानना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र का फेमस त्यौहार है गणेश उत्सव, बॉम्बे का फेमस त्यौहार है और हम लोग सब गणेश जी की आस्था है, गणेश जी को मानते हैं, इसलिए हम लोग आते हैं। आपका नाम? तान्या। अच्छा, आप कितना गणेश जी को मानती हैं? मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ गणेश जी को। जी, गणेश जी को बहुत अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, आप कौन से नाम से बुलाती हैं? गणपति नाम से, गणेश नाम है, गजानन नाम है, बहुत सारे नाम है गणपति भगवान के, तो मैं गणेश जी कहती हूँ। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो गणेश जी को किस नाम से जानते हैं और गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इस बारे में भी चलिए जानते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। गणेश उत्सव 10 दिन का पर्व होता है, जिस दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का आगमन घरों में होता है, तो जहाँ तक मेरा मानना है शायद गणेश जी पैदा हुए थे, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन ये है शायद, और 10 दिन तक ये मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा से लोग मनाते हैं। पहले मेनली शायद महाराष्ट्र में मनाया जाता था लेकिन अब यहाँ पे भी लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं और जहाँ आयोजन आप देख ही रहे हैं, इतना भव्य आयोजन शायद ही किसी कॉलोनी में होता हो। अच्छा, आपकी कितनी आस्था है गणेश जी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा चमत्कार जिसकी वजह आप गणेश जी को मानती हो? एक तो चमत्कार हो जो गणेश जी दूध पीने लगे थे, मतलब मुझे जितना हम लोग बहुत छोटे थे तब की बात है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो लगा कि ऐसा हो सकता है, भगवान है कुछ भी हो सकता है। अच्छा, गणेश जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मोदक। उनको क्या चढ़ाया जाता है? मोदक। और कुछ? लड्डू। ठीक है, तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनको कितना पता है गणेश चतुर्थी के बारे में, तो गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? बस ये बता तो दिए, गणेश जी के इस दिन जन्म लिए थे इसीलिए इनके के लिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, चलिए ये तो सबको पता है कि गणेश जी ने इस दिन जन्म लिया था इसलिए गणेश चतुर्थी मनाते हैं। 10 दिन का पर्व क्यों? ये तो इतना वो नहीं है हमें पता, लेकिन हम भी लोग आ जाते हैं मनाने के लिए। ठीक है, विसर्जन क्यों किया जाता है बप्पा का? जरूरी होता है, क्योंकि प्रतिमा का विसर्जन जरूरी होता है इसलिए किया जाता है। गणेश जी को क्या चीज़ें पसंद है? मोदक पसंद है, फल में केला पसंद है, यही सब पसंद है गणेश जी को, और खाने के लिए तो गणेश जी फेमस ही हैं भाई, उनको उनका खाना पीना फेमस है। क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो गणेश जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, वर्जित मानी जाती है? जैसे कि गणेश जी को बेलपत्र नहीं चढ़ता है, गणेश जी को धूप चढ़ता है और दुबा से ही उनकी पूजा होती है, दूब ही रखा जाता है, जरूरी है जी। भाई बप्पा का आगमन होता है उस दिन हम लोगों का, हम लोगों के घरों में आगमन होता है, इसलिए उस दिन तो गणेश चतुर्थी कहते हैं। उस दिन बप्पा का आगमन ऐसे हुआ था कि भाई गणेश चतुर्थी के दिन उनका आगमन हुआ था इसलिए। अच्छा, विसर्जन कौन से दिन होता है? अनंत चतुर्दशी के दिन। उसी दिन क्यों होता है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, गणेश जी को चंदन का टीका या फिर रोली नहीं चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्यों? बप्पा को तो सिंदूर ही चढ़ा, मतलब हम लोगों ने तो ने उसमें यही देखा है कि सिंदूर ही चढ़ाया जाता है, हम लोगों के यहाँ चंदन वंदन तो चढ़ता नहीं है। हाँ, अच्छा, विसर्जन के पीछे की क्या कहानी है? पता नहीं, आई डोंट नो।
तो हमने भक्तों से जाना गणेश उत्सव के बारे में कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, बप्पा का आगमन क्यों होता है और विसर्जन की वजह क्या है और लोगों को इस बारे में कितना पता है। फिलहाल लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, उन्हें जितना पता था उन्होंने उतना बताया है। लेकिन हम आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ घर में बुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना करी जाती है और उसके बाद एक मेहमान को जैसे बुलाया जाता है तो उसके बाद उनको जाना भी होता है, तो इसी तरह से उनकी विदाई करी जाती है बड़ी धूमधाम के साथ और इसी तरह से गणेश जी का विसर्जन भी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। वक्त तो